The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. बड़ी चीज आपको बताने जा रहा हूँ. आज कोरोना के दो वेव्स निकल जाने के बाद हम कोविड 19 कोरोना के बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं साइंटिफिकली जो प्रूवन है कि वो आपकी इलाज में आगे चल के या आज भी पेशेंट के मैनेजमेंट में बहुत मदद करेंगी. टाइमली एक्शन बहुत ज़रूरी है, टाइम बहुत ज़रूरी है इसमें, इसीलिए आपने लक्षणों को अपने ध्यान रखना बहुत ज़रूरी. टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेम चेंजर. कौन जिएगा कौन मरेगा डिसाइड करता है टाइम. सो एक इम्पॉर्टेंट बातें आज आपको बताने जा रहे हैं इसमें, ज़रूर इसको गांठ बांध लीजिएगा और इसको शेयर करिए जितना हो सके, लोगों तक पहुँचाइए, लोगों की मदद करिए. सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट डे ऑफ सिम्टम पकड़ना. याद रखिए डिजीज़ आपके मोस्ट ट्रांसमिसिबल होती है, यानी आप फैलाओगे वन डे प्रायर, यानी जब भी आपको लक्षण शुरू हुआ, फीवर हुआ, जो भी लक्षण हुआ, बॉडी पेन हुआ, सीवियर लूज मोशन हुआ, उससे एक दिन पहले से आप फैलाना शुरू करोगे और उसके तीन चार दिन बाद तक. तो ये सबसे ज़्यादा ट्रांसमिसिबल डे होता है, तो इसलिए सबसे पहला स्टेप होता है आइसोलेशन. सबसे पहला स्टेप होता है आइसोलेशन, और उस समय पहले इनिशियल डेज में फीवर बहुत ज़्यादा हाई होने का चांस होता है, बिकॉज वायरस का रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, और उस समय आपके इन्नेट इम्यूनिटी, मैक्रोफेज एंड ऑल्स, वो अपने आप में डिफेंस नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, डिफेंस माउंट करने की कोशिश करते हैं. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इस वायरस का खुद का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो दो दिन से दो हफ्ते तक है, यानी अगर आपके अंदर घर में किसी को सिम्टम आ गया, वो आपको दे दिया, वो दो हफ्ते बाद भी आपको पता चल सकता है, तो इट्स नॉट वेरी सून. सो इसीलिए एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड कई जगहों पे 4-5 दिन का हो सकता है, लेकिन दो दिन से दो हफ्ते तक भी लग सकता है. पर बड़ी बात जो हमें पता चल गई है, जो अब जो आपको भी ध्यान में रखनी है, कि कोरोना वायरस या कोविड 19 इज़ नॉट अ लंग डिजीज़. जी हाँ, कहोगे डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, जी हाँ, इट इज़ नॉट अ लंग डिजीज़. फेफड़ों की बीमारी नहीं है, ये फेफड़ों की बीमारी नहीं है, ये सिस्टमिक थ्रोम्बो हाइपर इन्फ्लेमेटरी वैस्क्यूलाइटिस डिजीज़ है. इसका क्या मतलब है, मेडिकल फील्ड वालों को समझेगा, ये सिस्टमिक डिजीज़ है, ये पूरे शरीर को अफेक्ट कर रही है, पूरे शरीर को अफेक्ट कर रही है, सिर्फ लंग्स को नहीं, दिमाग को भी करेगी, पेट को भी करेगी, किडनी को भी करेगी, हार्ट को भी करेगी, हाथ पैरों को भी करेगी, मांसपेशी को भी करेगी, तभी मसल पेन होता है, तभी होता है. साथ में क्या होता है, थ्रोम्बो हाइपर इन्फ्लेमेटरी वैस्कुलाइटिस. ये क्या चीज़ है, थ्रोम्बो मतलब क्लॉट बनना. जी हाँ, ये पूरे शरीर में क्लॉट बना रही है, पूरे शरीर में छोटे छोटे क्लॉट, तभी डी डाइमर बन रहा है, तभी खून पतला करने की दवाई दी जा रही है. याद रखिए, ये पूरे शरीर में क्लॉट बना रही है, इसलिए थ्रोम्बो हाइपर इन्फ्लेमेटरी का मतलब है आपके शरीर में इन्फ्लामेशन खूंखार तरीके से आ रहा है. सो इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हाइपर इन्फ्लेमेटरी, इसीलिए स्टीरॉयड दिए जा रहे हैं उस हाइपर इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए. उस खतरनाक जो आपके ऊपर क्राइसिस सिचुएशन आ जाती है, स्टॉर्म आ जाता है, साइटोकाइन स्टॉर्म वाली चीज़ को रोकने के लिए, हाइपर इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए. और थर्ड चीज़ वो बोली थी वैस्क्यूलाइटिस, खून की नसों को अटैक कर रही है यह बीमारी, चाहे वो लंग में जाने वाली खून की नसें, ब्रेन में जाने वाली खून की नसें, हार्ट में जाने वाली खून की नसें हैं, वहाँ पर ये ब्लॉकेज कर रही है, इन्फ्लामेशन कर रही है, सूजन कर रही है, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन कर रही है. सो इसीलिए स्पेसिफिक लंग की बीमारी नहीं है, ये पूरे शरीर की बीमारी है, सिस्टमिक थ्रोम्बो हाइपर इन्फ्लामेटरी वैस्कुलाइटिस डिजीज है. ये सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है. क्यों, क्योंकि सिर्फ फेफड़े के सिम्टम के लिए नहीं रुकना है. अगर आपको इस कोरोना के टाइम पे दूसरा भी सिम्टम है, तो उसको हम कोरोना वायरस का सिम्टम मान सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगर वो सिम्टम कोरोना के एक्सपोजर के बाद हुआ है. तो सबसे बड़ी पॉइंट आज का ये है, इट इज़ नॉट अ लंग डिजीज़, इट इज़ अ सिस्टमिक थ्रोम्बो हाइपर इन्फ्लामेटरी वैस्कुलाइटिस डिजीज़. ये ज़रूर बताइएगा अपने डॉक्टरों को भी, अपने दोस्तों को भी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट. सो द सेकेंड बिग पॉइंट इज़ कि वायरस इज़
नॉन रेप्लिकेटिंग आफ्टर डे 9, आपके शरीर में घुस गया, आपके शरीर में जाने के बाद 9 दिनों के बाद वायरस और ज़्यादा रेप्लिकेट नहीं करता। 9 डेज के बाद इट इज़ नॉन रेप्लिकेटिंग। 10 दिन के बाद, 14 दिन के बाद आपको क्वारंटाइन रहने की ज़रूरत नहीं है। 10-14 दिन के बाद RT-PCR कराने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर वायरस एक्टिव नहीं है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। थर्ड बड़ा पॉइंट आया है कि अगर आपका फीवर 101 से ज़्यादा है, अगर आपका CRP 10 से ज़्यादा है, या CRP बढ़ता जा रहा है, रैपिड राइज हो रहा है, या फिर आपका खांसी शुरू हो रही है डे 3 में, या SpO2 ऑक्सीजन लेवल आपका फॉल हो रहा है, या नॉर्मली भी, या 5-6 मिनट वॉक करने पे आपका 5% 5 लेवल पे SpO2 फॉल कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें सजेस्ट कर रही हैं कि आपका लंग में इन्फेक्शन हो गया है, लंग में निमोनिया हो गया। जी हाँ, निमोनिया हो गया। अब ये लंग इन्वॉल्व हो गया, मगर ज़रूरी नहीं है कोरोना सिर्फ लंग को करेगा। जिनके लंग इन्वॉल्व नहीं भी हुए उनको सिस्टमिक वैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, जो हमने बताया। डे 5 इसका बहुत क्रिटिकल फेज है, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फेज, जहां पर आपको दवाइयां शुरू करनी पड़ती हैं, चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार इसमें डे 90 तक की भी बात है। डे 90 इज द डे व्हेन द वर्ड कोविड एक्चुअली एंड्स, कि पॉजिटिव होना मैं बंद कर दूंगा। RT-PCR 90 डेज के बाद अगर आपका फिर भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी अगर 90 दिन तक पॉजिटिव आ रहा है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वायरस एक्टिव है। इसका मतलब है वायरस की डेड बॉडीज मिल रही हैं शरीर में, दे आर नॉट एक्टिव। 90 डेज के बाद फिर से पॉजिटिव आया, 3 महीने के बाद फिर से पॉजिटिव आया, देन इट इज री इन्फेक्शन होता है तब। यार बहुत ही रेयर केसेस हैं परसिस्टेंट वायरस शेडर के, जिनके केस में अभी आगे चल के हो सकता है ये रिवोल्यूशन हो, मगर फिलहाल इसको री इन्फेक्शन ही मानेंगे। लॉस ऑफ स्मेल एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है, विच इज इक्वल टू RT-PCR पॉजिटिव। आपका RT-PCR पॉजिटिव आए तो आपको कोरोना है मानते हैं, लेकिन लॉस ऑफ स्मेल है, कोरोना मान लीजिए, ठीक है। सो आपको याद रखना है ये सारे पॉइंट। और बहुत बड़ा पॉइंट है, किसी से 2 मिनट मिल लिया कोविड पेशेंट से तो आपको नहीं होगा वायरस। 15 मिनट का टाइम लगता है, 15 मिनट्स इज द टाइम टू गेट द इन्फेक्शन। इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग यू नो सेफ्टी प्रिकॉशंस, मास्क वास्क नहीं पहन रहे और पेशेंट से आप मिल लिए हैं, या कहीं हॉस्पिटल में चले गए, वार्ड में चले गए हैं, तो 10-15 मिनट आपको लगेंगे वायरस आपके अंदर जाने में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। सो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको बताना था। क्लिनिकल फीचर्स, सीरम मार्कर, सीटी स्कैन, वो सब ज़रूरी है। अपने डॉक्टर से बात करते रहिए, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिए। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच।